ओके तो फर्स्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने इसका प्लान को ट्रेस करके और इम्पोर्ट कराया था हम लोगों ने 3ds Max में। उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगल शेप का यूज करके एक्सट्रूड कर करके हम लोगों ने फर्स्ट का इसका ग्राउंड फ्लोर डिजाइन किया था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल। तो चाहे तो ग्राउंड फ्लोर हटा सकते हैं। मैं इसकी फर्स्ट लेवल को सेलेक्ट करता हूँ। अभी के लिए ऐसा करता हूँ, मैं ग्राउंड लेवल फ्लोर को हटा ही देता हूँ और फर्स्ट फ्लोर को ओपन कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, एज यू कैन सी ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और बिल्कुल लेट के ऊपर अटैच है सब की सब चीजें। बस हमें इसको वैसे ही ट्रेस करना है जैसे कि हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के लिए किया था। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं इसमें और करूंगा कि फर्स्ट फ्लोर को हाइड करके इसमें जितने भी आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं सबको एक साथ जरा एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज जितने भी रेक्टेंगल है वो फिक्स नहीं है, उन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करके फिक्स कर दे रहा हूँ। उससे दिक्कत ये होगी कि अगर इधर उधर खिसक ना जाए पता चले। ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके प्लान को फिक्स करना, बिकॉज अगर आप प्लान को फिक्स नहीं करते हैं तो कोई भी इधर उधर करेगा तो आपका प्लान वॉल इधर उधर हट जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो आप वर्क कर रहे हैं वो आपका पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर था, अब हम इसे हाइड कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का काम हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर को ओपन करें और अब इसमें हम लोग वैसे अब स्टार्ट करते हैं जैसे कि। तो सबसे पहले मैं इसकी वही लेवल बना रहा हूँ लाइन की हेल्प से, 3D स्नैप को ऑन करके। 3D स्नैप में हम लोगों ने केवल यूज किया है वर्टेक्स, इसको लेते हैं। अब हम लोग केवल इसको चूज कर रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें एक ऑप्शन दे रहा है, ये अभी जो एरर दिया उसने ये दिया कि अनहाइड लेयर में बना रहे हैं, बिकॉज इस समय करंट लेयर देखिए लगी है ग्राउंड फ्लोर जो कि अनहाइड है। आपको बनाना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आप करंट लेयर इसको करें, अब इस पर काम करें लाइन लेके। बस आपको पहले तो ये पूरी बाउंड्री ट्रेस करनी है जल्दी से, और जैसे बाउंड्री ट्रेस हो जाएगी हम लोग फिर आएंगे इसके अंदर के वॉल्स। बाउंड्री ट्रेस होने के बाद वॉल बनाना काफी आसान हो जाता है, बस केवल रेक्टेंगल ही सेलेक्ट करना होता है उसमें। 3D स्नैप है, 3D स्नैप ही क्यों लिया, बिकॉज हमें एग्जैक्ट उसी पे ही बनाना है, ना ऊपर ना नीचे, तो उसी प्लान को ही एग्जैक्ट वो ट्रेस करें, इस वजह से हम लोगों ने इसको 3D स्नैप लिया। हम लोग ये ले लिया है, साथ साथ आपका दिस वन, दिस दिस दिस, आपका इधर दिस वन, दिस 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 वन, एंड जूम करिए दिस वन, दिस दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस। सॉरी, जैसे भी गलत हो जाए बैक स्पेस दबाइए अंडू करने के लिए। दिस वन एंड दिस वन, ये आपका बेस कंप्लीट हो चुका है। इस ब्लेस को हम लोग वही विथ दे देंगे, तो हम लोग एक्सट्रूड में आते हैं। यहाँ पे एक्सट्रूड मॉडिफायर से एक्सट्रूड की विथ वही आपकी 6 इंचेस, और इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट फ्लोर। दिस विल बी अ फर्स्ट फ्लोर, मेक श्योर इसको भी आप लॉक कर दें, बिकॉज जब तक लॉक नहीं रहेगा एक जगह रखा हुआ है, एक लॉक कर दें इसको। अब लॉक होने के बाद हम लोग आगे आते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर, अब देखिए इसमें दो दो फर्स्ट फ्लोर आ गए, तो हम लोग इसको रीनेम कर रहे हैं, इसको फर्स्ट फ्लोर का बेस कह रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको मैं रीनेम करके दे रहा हूं फर्स्ट फ्लोर का प्लान कर दे रहा हूं। लेयर पे भी काम करने से अच्छा रहेगा कि आपकी कैटेगरी वाइज हर चीज रहेगी, जिससे आपको वर्क करने में काफी आसानी रहेगी। अब आप फर्स्ट फ्लोर बेस को हटा सकते हैं क्योंकि अब हम लोग इस पे वॉल्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करें, रेक्टेंगल लें और वॉल को ड्रॉ करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो वॉल कैसे ड्रॉ हो रही देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप 3D स्नैप ऑन करें और जितनी वॉल आपको विजिबल विजिबल हो रही है सबको ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट चलिए यहाँ से करते हैं, यहाँ से लेके कुछ नहीं करना है, बस आपको रेक्टेंगल लेना है और एक्सट्रूड दे देना है। ठीक है, अभी कितने का एक्सट्रूड, वही आपका 10 फिट का मैं दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ये बार बार हम लोग एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, बार बार रेक्टेंगल लेते हैं, तो मैक्स में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग बार बार वो चीज रिपीट कर रहे हैं, तो हम उसकी बटन बना सकते हैं। बटन बना के हम लोग केवल बटन पे क्लिक करेंगे एक्सट्रूड लग जाएगा, बटन पे क्लिक करेंगे रेक्टेंगल आ जाएगा। अब ये कैसे करते हैं, तो ये देखिए इसके लिए आपको कस्टमाइज पे आना पड़ेगा। कस्टमाइज के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपका, सॉरी स्क्रिप्टिंग पे आइए, स्क्रिप्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रो रिकॉर्डर, इस पे आप क्लिक करिए। मैक्रो रिकॉर्डर पे क्लिक करने में आपका, एक सेकेंड,
हाँ सॉरी, मैक्स स्क्रिप्ट लिसनर पे क्लिक करिएगा। अब जो भी आप प्रोसेस करेंगे उसको वो लिसन कर रहा है। आपने क्या किया, आप क्रिएट में गए, आपने सेव पे क्लिक किया और आपने रेक्टेंगल लिया। ये रेक्टेंगल ये है, ये आपका मैक्स स्क्रिप्ट है। ठीक है, एक और बार मैं दिखा रहा हूँ इसको, मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, ये भी आप सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए। अब दोबारा लीजिए, आप गए थे क्रिएट पे, क्रिएट पे जाने के बाद सेव पे, सेव पे जाने के बाद रेक्टेंगल। ठीक है, एक और बार मैं कमांड से बाहर आके दोबारा ले रहा हूँ। क्रिएट पे गए, सेव पे गए, रेक्टेंगल पे क्लिक किया। ये इसका कोड है, इस कोड को आप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और एक बटन क्रिएट करिए। उस बटन में इस कमांड को पेस्ट कर दीजिए। बटन कैसे क्रिएट करते हैं, तो उस बटन के लिए हम आएंगे कस्टमाइज पे, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे आपको टूल बार मिलेगा, यहाँ पे हम न्यू बटन क्रिएट कर सकते हैं। माउस टूल बार, ये न्यू बटन दबा दीजिए और इसको दे दीजिए रेक्टेंगल। ओके कर दीजिए, ये एक न्यू बटन बन गई है। ये बटन है, इसको ऑफ करिए। इस बटन को हम उठा के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। और एक सेकंड, ये बटन है आपकी, पहले हम इस पर पेस्ट करें। इस पर पेस्ट कैसे करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको यहाँ से ड्रैग करिए और इस पर ड्रॉप कर दीजिए। ये आपका टूल आ गया, रेक्टेंगल टूल। अब इस बटन की हेल्प से मुझे बार बार रेक्टेंगल कमांड लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं इस पर क्लिक करूँगा, रेक्टेंगल कमांड आ जाएगा आपका और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है आपका, क्लिक करके ही रेक्टेंगल आपका सेलेक्ट होगा। ठीक, दूसरी चीज़ एक्सट्रूड कमांड, सेम प्रोसेस। आप क्या करिए, फिर से आप इस पर क्लिक करिए, कस्टमाइज पे, सॉरी स्क्रिप्टिंग पे, मैक्स स्क्रिप्ट लिसनर पे क्लिक करिए। और अभी के लिए मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, एडिट में डिलीट या क्लियर ऑल। फिर हम लोग जाते हैं जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, या हम लोग मॉडिफाई पे गए, मॉडिफाई पे जाने के बाद मॉडिफाई लिस्ट पे गए। ठीक है, उससे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट जैसे बना लेता हूँ, जैसे हम लोग ने बनाया रेक्टेंगल। ठीक, अब ये रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इधर गया मॉडिफायर में, मॉडिफायर में मैंने टाइप किया एक्सट्रूड, क्लिक किया, ये एक्सट्रूड मॉडिफायर इस पर लग गया, इतने का जो लगा हुआ। तो ये एक आपकी पूरी की पूरी एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, एक पहले बटन बना और वहाँ पे प्लेस कर दिया। आप ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज ये लेता नहीं, एक बटन पे जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे कस्टमाइज पे, कस्टमाइज पे, कस्टमाइज यूजर इंटरफेस। कस्टमाइज यूजर इंटरफेस पे जाने के बाद टूल बार पे आइए, न्यू पे क्लिक करिए और इसको नाम दे दीजिए एक्सट्रूड। ओके कर दें, ये एक बटन बन गई एक्सट्रूड की। अब यहाँ पे आप अपना सेलेक्शन एक्सट्रूड यूआई ऑन करिए और इस पूरी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। आप चाहे तो इस बटन का अपीयरेंस बदल सकते हैं ताकि देखने में आपको पता चल जाए। तो इसको मैं मैक्स स्क्रिप्ट की जगह मैं कोई भी मान लीजिए पॉली टूल्स पे ले ले रहा हूँ और ये नाम दे दे रहा हूँ, जिससे हमें लुक वाइज दिखते लगे एक्सट्रूड है। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन को यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके हल से हम लोगों ने दो बटन क्रिएट किए और जैसे ही आपका काम हो जाए स्क्रिप्ट पे जाके इसको ऑफ कर दीजिएगा मैक्रो रीडर। एज वी कैन सी, अब हम लोग बटन की हेल्प से ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बटन सही करते हैं। सबसे पहले मैं इस पर गया, एज वी कैन सी रेक्टेंगल बनते जा रहे, लेकिन दिख नहीं रहे, बिकॉज वो रेक्टेंगल सेंटर पे बना रहा है। दिख रहे हैं आपको दिस वन, ये देखिए रेक्टेंगल इसने बनाया है, वो 000 के एक रेक्टेंगल बना रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं बिकॉज ये मैनुअली इस चीज़ को बना रहा है। तो मैं इसको डिलीट मार रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए मैनुअली ना बनाए तो उसके लिए लेंथ विथ दे दीजिएगा। तो ये तो हमारे बटन किसी काम की आई नहीं, तो हम लोग इसको राइट क्लिक करके इस बटन को डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन। ठीक है, एक्सट्रूड बटन की बात करते हैं, इसको हम लोग
इसको यहाँ कहीं आप ड्रॉप कर दीजिए। चलिए एक्सट्रूड की बात करते हैं। देखिए एक्सट्रूड मॉडिफायर तो आ गया, जिसके लिए आपको एक सिलेक्शन चाहिए। तो अब हम लोग बस अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रूड बार बार नहीं लेना पड़ेगा। देखिए ये तो अगर मैं लेंथ विथ दे देता तो फिर उसी हिसाब से ले लेता, वो था नहीं, इस वजह से वो 000 के रेक्टेंगल बना रहा था। मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, मैं सीधे प्रोसेस ले रहा हूँ दिस वन और सीधे इस पर क्लिक कर रहा हूँ एक्सट्रूड मॉडिफायर। एक सेकेंड, ओके, कॉल नीड्स अ फंक्शन ऑफ क्लास गॉट सिलेक्शन। एक चीज़ शायद इस बटन में गड़बड़ी ये हो गई कि जब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड था हमें केवल यूआई लेना चाहिए था, मैंने पूरी चीज़ ले ली थी, इस वजह से गड़बड़ हो। कोई बात नहीं, दोबारा ये चीज़ कर देता हूँ। स्क्रिप्ट पे जाके मैक्रो रीडर साथ साथ मैक्स स्क्रिप्ट लिसनर, ठीक, इस पर आप एडिट पे जाके क्लियर ऑल कर दीजिए। ठीक, तो आपका ये भी क्लियर ऑल। अब आप जो भी चीज़ वर्क करेंगे वो यहाँ पे लिखेगी और उसकी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन आई, मॉडिफायर पे गए, मॉडिफायर पे टाइप किया एक्सट्रूड, ये मॉडिफायर आपका आ गया एक्सट्रूड। ठीक, ये चीज़ केवल आपको ज़रूरत है इसके लिए। तो ये चीज़ आप चाहें तो इस बटन को उठाइए बाहर, इस बटन में ये चीज़ डिलीट डाल दीजिए और अब ये कोड उठा के इस पर प्लेस करिए और इसका अपीयरेंस में बदल के वही कर दे रहा हूं जो अभी अभी लगाया था। दिस वन, अब इसको आप बंद कर सकते हैं, कस्टमाइज सॉरी स्क्रिप्टिंग पे जाके ये भी मैक्रो रीडर बंद कर सकते हैं। अब इसको यहां पे प्लेस कर दीजिए। ठीक, तो ये आपकी इस तरह लग गई। अब चलिए हम लोग फिर से ट्राई करते हैं रेक्टेंगल पे, और रेक्टेंगल पे आपका पहला आपका ये स्टेप है, दूसरा आपका ये स्टेप है। क्लिक करते हैं एक्सट्रूड पे। एज यू कैन सी अब ये एक्सट्रूड अपने आप लगता जा रहा है जितना हमें देना था। इसको हम लोग दे देते हैं 10 फिट। ठीक है, तो हमें बटन की हेल्प से बार बार एक्सट्रूड टाइप नहीं करना है, वो अपना एक वैल्यू लेता रहेगा जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं। बस आपको रेक्टेंगल कमांड देना पड़ेगा बार बार, ये वैल्यू उसी से वो उठाता रहेगा। यहाँ से क्लिक ऑन एक्सट्रूड, लास्ट वैल्यू उठाता है। हाँ, स्क्रिप्ट के समय जो ये वैल्यू थी वो जो थी इसीलिए लेता है, इस वजह से वो आखिरी वैल्यू उतनी उठा रहे 2 फिट, क्योंकि स्क्रिप्ट के समय वो वैल्यू इतनी थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, स्क्रिप्ट रन करते समय जितनी वैल्यू का आपको एक्सट्रूड चाहिए वो आप एक्सट्रूड सेट कर दीजिए। एक सेकंड, और अभी के लिए मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ, बस वो एक प्रोसेस था कि आप बटन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एंड एक्सट्रूड, वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने उस बार किया था, लेकिन इस बार हम लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर के लिए किया था। प्रोसेस बहुत आसान है, बस रेक्टेंगल खींचना है, एक्सट्रूड करते जाना है। रेक्टेंगल लेना है, सेलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करना है। दिस इज द बेस्ट मेथड जिससे आप कोई भी एक्सट्रूड को क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, इसको भी कर दीजिए एक्सट्रूड, तो ये आपके एक्सट्रूड बस होते हैं। आप देखिए ये चीज़ गड़बड़ी इसमें ये हो गई कि रेक्टेंगल पूरी तरह बना नहीं था, तो आपका रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक आप पहले बनाइए। 3D स्नैप को ऑफ कर ऑन करके हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिससे आपका बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, जो चीज़ आपको प्लान में दिख रही थी। ठीक है, वॉल्स आप बनाते जाइए, कुछ जैसे कि ये सेट की वॉल है तो इसको हमें बनाने की अभी ज़रूरत है नहीं, तो ध्यान से ये भी देखिएगा कि कौन सी वॉल है, सारी वॉल नहीं कि बस हमें बस पूरा देखना है। ठीक है, तो बस आप जितनी भी वॉल्स हैं वो आप क्रिएट कर दीजिए। आगे चल के हम इसी के इंटीरियर पे भी वर्क करेंगे, अभी चल के अभी हम लोग का मेन फोकस है इसके एक्सटीरियर पे, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आप प्रोसेस फॉलो करें। रिपीटेड टास्क हो रहा है यहाँ पर, पुराना वही आपका एक्सट्रूड होता जा रहा है। ट्विटर्स की वजह से यहाँ से भी आपका होता जा रहा है और ये भी हम लोगों ने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी इस चीज़ को प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ जगह मैं स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज हम चाहें तो बुलियन से ये चीज़ कर सकते हैं, और अब बुलियन नहीं भी किया है तो कट बना के कर सकते हैं, जो भी आपको प्रेफर लगे।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पूरे के पूरे कर लिए, और इस पूरे को हम एक साथ सेलेक्ट करके हमें हायरार्की पे जाके लिंक इन्फो में सबको लॉक कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना फर्स्ट फ्लोर के भी पूरे पूरे फ्लोर बना लिए, एंड प्लान बेस को भी सेलेक्ट करें एंड वी इट्स कन्वर्टेड। तो यहाँ तक हम सेव करते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।